उनको भी वजीफा मिलेगा, और जो घर वाले छोड़ के गए उनको भी वजीफा मिलेगा। बाकी छूट गए सो औरत जो रहेंगे 18 साल के ऊपर उम्र वालों को 3000 रुपए वजीफा मिलेगा, वो पूरा जब तक केसीआर साहब का हुकूमत है तब तक मिलेगा। और आप लोग देख रहे नागारम में कितना बड़ा रोड बनाया, कविता मैडम खुद आके यहाँ पे इनॉग्रेशन करे। पहला यहाँ पे ऑटो भी बराबर नहीं आते थे, एम्बुलेंस भी बराबर नहीं आते थे, लेकिन आज बेंच कार भी आपके नागारम में आ सकता है। इधर बंगाल राव नगर कॉलोनी, इधर पेंटर कॉलोनी, धर्मपुरी हिल्स, असद बाबा नगर, नागारम और बाबन साहब पहाड़ी, ये सारे रोड हम बनाए। गली गली में सीसी रोड, बीटी रोड बनाया। इसीलिए आने वाले 30 तारीख को सब लोग बाहर निकल के कार के निशान पर वोट डाल के बड़ा मेजॉरिटी से जिताइए। मैं नागारम को गोद लेने का वादा किया। गोद लेने का मतलब होता है यहाँ पे लोकल लीडर आके कोई पूछने की जरूरत नहीं है। हर रोड बनेगा, हर नाली बनेगा, हर लाइट चालू रहेगा। जो भी आपके मसाइल है पूरा लेने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। हमारा कविता का भी वादा किए, नागारम आप गोद लिए, जितना पैसे चाहिए मैं हुकूमत से दिलाने का मुझे कविता दीदी भी मुझे वादा किया है। अम्मा अंदर कूड़ा 30 तारीख नाड़ कारु गुर्तु कोटेस गेलिपियंडि, 5000 पिंचन अवुतुंदि, 400 रूपायलकु गैस सिलिंडर इस्तानाडु केसीआर गारु, तेल्ल रेशन कार्डु मीद सन्न बियम वस्तुन्नायि, मरि अंदुके मीरु केसीआर गारिनि गुर्तु मीरु गुर्तु पेट्टुकोनि कारु गुर्तु कोटेयालि। మరి పేద మహిళలందరూ కూడా పింఛన్ రాని వాళ్ళందరూ కూడా 18 ఏళ్ళు నిండిన వారికి 3000 రూపాయల పింఛన్లు ఇవ్వబోతుంది ఈ ప్రభుత్వం, కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని గెలిపియాలి, నాకు కారు గుర్తు మీద ఓటేసి బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో గెలిపియాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు మన అక్క మన అందరి ఆడబిడ్డ కవితక్క గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను।